हेलो, फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक केळकर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका लक्ष्य, आपका गंतव्य स्थान, आपकी मंजिल कौन सी है, कैसा तय करना है और वहाँ कैसे पहुँचना है। देखो, आपको जो चाहिए आपके लाइफ में उसकी एक लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। तो उसमें आप ऐसा करो, 30 चीज़ें ऐसी लिखो कि जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। ऐसी 30 बातें कि जो आप करना चाहते हो, 30 बातों की ऐसी एक लिस्ट बनाओ, ऐसी चीज़ें जो है कि जो आपके पास होनी चाहिए, और 30 चीज़ें जो ऐसी है जिनकी आपने लिस्ट बनानी है, 30 बातें कि जो आप होना चाहते हो, आप वैसी चाहत है आपकी कि ज़िंदगी में एक बार तो भी वैसा करना है मुझे। जैसे आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आपको समझेंगे कि आपके पास में इतने सारे आइटम हैं कि जो आप मरने के पहले ये अपनी ज़िंदगी में करना चाहते। शुरू शुरू में ऐसा होगा कि आपको ऐसा दिखेगा कि भाई मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे कार चाहिए अच्छी, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को फ्लैट चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ शुरू में निकल के आएगा, और बाद में फिर असली असली बातें निकलेंगी। और असली बातें मतलब कौन सी, कि नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैंने लोगों के ऊपर प्यार करना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैंने खुलकर ज़िंदगी जीना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में मुझे शांति चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में समाधान, आनंद और शांति रहे। मतलब इस तरह की बातें बाद में निकलेगी कि वो मुझे चाहत है। यदि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपकी लिस्ट इतनी बड़ी बनती नहीं है, तो आप आपके करीब के दोस्त के पास में बैठो और उसको आपको पूछने दो कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। और जैसे जैसे आप शुरू शुरू में उसके मतलब जवाब देते जाएंगे, वैसा ऐसा नए 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 चीज़ें खुलती जाएंगी और काफ़ी सारी ऐसी बड़ी लिस्ट बनेगी। उसके बाद में एक ऐसी लिस्ट बनाओ 20 चीज़ें कि जो काम करने में, मतलब ऐसे 20 काम कि जो काम करने के ऊपर आप प्यार करते हो, जो काम करने में आपको मज़ा आएगा, जो काम करने में आप अपने आप को भूल जाओगे, जो काम करते हुए आपको भूख प्यास लगेंगी नहीं, और जो काम आप बिना पैसे का भी कर सकते हो, ऐसे 20 चीज़ें, ऐसे 20 काम, उसकी एक लिस्ट बना दो। वो लिस्ट बनाने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि भाई अभी ये जो काम मैंने 20 चीज़ें जो बनाई है, 20 चीज़ें जो काम मैं करके मुझे बहुत आनंद आएगा, खुशी आएंगी, अब उसमें से पैसा कैसा मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे, उसमें से पैसा कैसा कमा सकते हो बाद में देखेंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी एक भी काम आप मुझे बताओ कि जो काम आप करते हो ना और आपको पैसा मिलेगा नहीं, ऐसा है ही नहीं। कुछ भी काम करो, आप सफाई कामगार का काम लो, सफाई कामगार सफाई का काम करने का है, उसमें पैसा मिल सकता है। टेलर है, ब्यूटिशियन है, कोई कारागिर का काम करता है, कोई एजेंट है, कोई फाइनेंसर है, कोई टेलरिंग है, कोई ब्यूटिशियन है, कोई राइटर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, कुछ भी, कोई प्लेयर है, कुछ भी, कोई भी काम हो आप वो काम करते हैं, कुछ है, एडवाइज़र है, कुछ भी काम हो उसमें से आपको पैसे मिलेगा। तो वो काम आपको ढूंढ के निकालना है कि जिसके ऊपर आप प्यार करते हो, और फिर उससे पैसा कैसा मिलाना है वो हम देखेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम आप करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ही, मगर ऐसा काम, ऐसी लिस्ट बनाओ कि जो काम करते हो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत आनंद लगेगा। जब आप ऐसी लिस्ट बनाते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये 20 ऐसे काम है कि जिसके ऊपर मैं प्यार करता हूँ। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि वो जो काम है कि जिसके ऊपर आप प्यार करते हो, जो काम करने के समय आप अपने आप को भूल जाते हो, उसमें से पैसा कैसा कमाना। आपको यह देखना है कि भाई आप कहाँ खड़े हो और आपको जाना कहाँ है। कि आप कहाँ खड़े हो ये आपको मालूम पड़ा तो आपको कहाँ जाना है वो आसान हो जाएगा। समझो, मैंने बताया कि मुझे दिल्ली जाना है, ऐसा मैंने तय किया, मगर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं दिल्ली कैसे जाऊँगा, कौन सी गाड़ी पकड़ूँगा, कौन सी ट्रेन पकड़ूँगा, कौन सा फ्लाइट पकड़ूँगा। मुझे इसलिए ये होना मालूम होना ज़रूरी है कि मैं अकोला में खड़ा हूँ और मुझे दिल्ली जाने का है, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ ये मालूम होना चाहिए, ताकि मुझे कहाँ जाना है ये मतलब मैं जा सकता हूँ। तो इसलिए मुझे मेरी मंजिल जो है, मेरा लक्ष्य जो है, मेरा उद्देश्य जो है, मेरा गंतव्य स्थान जो है, वो मुझे समझ के लेना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। और जब वो क्लियर है, और उस समय ये भी क्लियर है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ,
तो मुझे जाने में बहुत ही मतलब आसानी हो जाएगी और मैं आराम से ठीक से जल्द वहाँ पहुँच सकूँगा। तो आपको अभी ये करना है कि आप ऐसी कौन सी बातें 20 बातें कि जो आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो काम करने में, ऐसी 30 चीज़ें कि जो आपके पास होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है, ऐसी 30 चीज़ें कि जो आपके पास होना चाहिए और आप करना चाहते हो, और 30 चीज़ें कि मरने के पहले आपको वो करने की इच्छा है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। लोगों को पता ही नहीं है कि हमको लाइफ में करना क्या है। जिग जिगलर ऐसा बोलते हैं कि 97% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनको उनकी ज़िंदगी में करना क्या है। उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो सपने हैं, वो लिखित स्वरूप में है नहीं, वो लोग लिखते ही नहीं है, उनके दिमाग में है। 3% लोग जो है उनको अपने सपने मालूम है कि अपने सपने कौन से, अपने ड्रीम्स कौन से, अपना लक्ष्य कौन सा है, अपना गंतव्य स्थान क्या, आपको करना क्या है, वो उनको मालूम है 3%। और फिर उनको वो मिल सकता है क्योंकि उनको मालूम है करना क्या और उनके पास में वो लिखा हुआ भी है। तो आज ये तय करो कि आपको करना क्या है, ज़िंदगी में करना क्या है, वो सब बातें लिख के रखो। और आप जब लिख के रखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे मेरे आगे आने वाली वीडियो में समझ में आएगा कि वो पाना कैसे है। लिखना ज़रूरी है, लिखने से आधा आपका काम हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, मालूम ही नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को आपके संपर्क में, आपके दोस्त में, जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनको शेयर करो, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, ताकि लोग क्लियर हो जाएंगे उनको करना क्या है ज़िंदगी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लक्ष्य जो है वो है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे हॉस्पिटल में हम दोनों तरह के लोग पेशेंट रखते हैं, मनोरुग्ण और व्यसनी, रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा। हमारे हॉस्पिटल अकोला में है, पूना है, नागपुर है, मुंबई है, ठाणे वहाँ भी है। तो जहाँ संपर्क कर सकते हैं वहाँ काउंसिलिंग कर सकते हैं। हमारा काउंसिलिंग फ़ोन के ऊपर भी होता है, फ़ोन के ऊपर हम सारे भारत देश में काउंसिलिंग करते रहते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आइदर हमारी पर्सनल विजिट या हमारे काउंसिलिंग से आपको मिल सकता है। नीचे दिए हुए बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो आपको सबसे पहले उसका इंटीमेशन आ जाएगा। हमारे वेबसाइट के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप ज़रूर आपको जो चाहिए वो शेयर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।